क्या बिग बॉस के घर में हो जाएगी शादी? जी हाँ, बड़ा प्लान है यहाँ पे बिग बॉस का। 3 वाइल्ड कार्ड कंट्रीज घर में आई है। क्यों लाया गया है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट ट्रेडर्स। अगर देखा जाए तो 3 लोग घर के अंदर एंटर कर चुके हैं, अरहान खान, शेफाली बग्गा और तीसरी जो है मधुरी मातुली। तो ये तीनों को घर में लाने का एक मकसद जो ऑडियंस को दिखा रहे हैं वो है कि सीजन जो है एक्सटेंड हुआ है और इसी वजह से हमने ये 3 लोग जो पहले ही बाहर 2 जा चुके थे उनको और एक नई वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट घर के अंदर लाई है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली बार जब 3 लोग इविक्ट हो चुके थे, रश्मि, देवोलीना और शेफाली बग्गा, तो वहां पर उन्होंने सिर्फ शेफाली बग्गा को घर से बेघर किया था और रश्मि और देवोलीना को वापस घर में एंट्री दी थी। तो कहीं ना कहीं लोग वहां पर नाराज हो गए थे, कहीं ना कहीं शेफाली के फैंस वहां पर नाराज हो गए कि भाई इन दोनों को तो आप वापस लेते हो लेकिन आप शेफाली को वापस क्यों नहीं लेते। तो यहां पर कहीं ना कहीं इनको इन्हें वापस लेना पड़ा और इसके बाद जो शेफाली घर में खुद का स्टैंड लेती है, जैसे कि क्वीन बनने का सबसे पहला टास्क था तो इन्होंने खुद का स्टैंड लिया था, हर किसी के ऑपोजिट गई थी, साथ ही सांप सीढ़ी वाला जो टास्क था वहां पर भी बहुत सारे झगड़े किए, तो इनको खूब सारा टीआरपी शेफाली बग्गा दे सकती है। दूसरी चीज, अरहान खान एविक्ट होने के बाद एक बात कहते हैं सोशल मीडिया पर, हर जगह एक बात कहते हैं कि भाई मुझे बस एक चांस दो, अगर मुझे एक चांस दिया और मैं घर में गया तो मैं सबसे पहले वहां पर रश्मि देसाई को प्रपोज करूंगा, क्योंकि इनके जाने के वक्त वहां पर रश्मि देसाई ने इनको आई लव यू कहा था। तो कहीं ना कहीं इनके भी दिल में घंटी बज गई और वहां पर जाकर इन्होंने भी कल एक छोटा सा प्रपोजल वहां पर रख दिया रश्मि देसाई के सामने। बिग बॉस चाहते हैं कि यहां पर इनसे बहुत ज्यादा टीआरपी इकट्ठा करें। अगर इन्होंने इनका प्रपोजल एक्सेप्ट किया तो कहीं ना कहीं इनके शादी का प्लान भी बिग बॉस के मेकर्स कर रहे हैं। जी हाँ, और बिग बॉस के हिस्ट्री में बिग बॉस के घर में एक शादी हो जाएगी और ये शादी मतलब बिग बॉस को ले आएगी बहुत सारा टीआरपी और बिग बॉस का शो 2 गुना ज्यादा चलेगा। मतलब हर कोई उस दिन सिर्फ बिग बॉस ही देखेगा क्योंकि एक रियल लाइफ शादी होने जा रही एक शो में और ये ऐसा पहली बार हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा प्लान है इसके पीछे अरहान को घर के अंदर लाने के बीच। तो मैं आपको तीसरी चीज बताना चाहूंगा कि मधुरी मातुली क्यों लाई है। अब इतने सारे अच्छे अच्छे लोग घर में आएंगे तो झगड़ा कौन करेगा। तो यहाँ पे मधुरा मातुली इनके बीच और विशाल के बीच कुछ अच्छे रिलेशन नहीं है, हमने आप कल के एपिसोड में भी देखा होगा आपने। तो यहाँ पर बिग बॉस को चाहिए इन दोनों के बीच का झगड़ा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बिग बॉस को जो विशाल है जो अभी तक शांत है उसको अभी खोलना होगा और उसको अभी उसका जो असली रूप है वो बाहर लाने की कोशिश बिग बॉस यहाँ पे कर रही है और वहां पर मधुरी मातुली को इसी वजह से उनके साथ रिलेशन बनाने के लिए नहीं, अच्छा रिलेशन बनाने के लिए, उनके साथ झगड़े करने के लिए वहां पे घर के अंदर डाला गया है। ये 3 बड़े रीजन है इन तीनों को घर के अंदर लाने के लिए। आपको क्या लगता है और किसे लाना चाहिए? अगर बिग बॉस चाहते तो वहां पे बहुत सारे डिजर्विंग कंटेस्टेंट थे जैसे कि कोयना मित्रा थी, जैसे कि दलजीत कौर थी जिनको तो अपना गेम दिखाने का मौका भी नहीं मिला। दलजीत कौर के साथ हाल ही में कुछ बातचीत चल रही है बिग बॉस मेकर्स की, लेकिन अब क्या होगा आगे आने वाले वक्त ही बताएगा। जैसे एपिसोड आएगा, कोई कंफर्म न्यूज आएगी, मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इन 3 वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स के बारे में आपको क्या कहना है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना और प्लीज हमारा चैनल जो है यार सब्सक्राइब तो कर दे यार। सब्सक्राइब करने के बाद मेरे 100K सब्सक्राइबर्स के मैं बहुत करीब हूँ, मेरे हो जाएंगे यार पूरे, और आपका थोड़ा सा सहयोग मुझे चाहिए। बस 1 सब्सक्राइबर्स आपकी तरफ से मुझे आ जाए तो हमारी जो फैमिली है वो फैमिली 1 लाख की हो जाएगी। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें एक्ट राइडर्स को और देखते रहिए एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।